अब इच्छा कहो आपकी, क्या सुनना है प्रसंग। ये हमारे रोडमल जी को माउत कह रहे थे कि भाई देवासुर संग्राम या अमरनाथ या केदारनाथ या सोमनाथ या रामेश्वरम, ये सारे भगवान शिव के ही चरित्र हैं। और वन पर भारत कथा कथन करी मुनि व्यास, कौन सी राजा दंग की? अच्छा जब ये भी भगवान शिव का एक चरित्र है। माता अनुसुईया के गर्भ से तीनों देवताओं ने अंश रूप से अवतार लिया। भगवान विष्णु के अंश से जगत गुरु दत्तात्रेय जी और भगवान ब्रह्मा के अंश अवतार चंद्रमा, जिससे चंद्रवंशी राजदूत है तंवर या थारली जो बड़े चीज है ना, या भी शामिल से अत्रि की संतान युवा। और भगवान शिव के अंश अवतार महात्मा दुर्वासा। महात्मा दुर्वासा 100,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लेकर के और अपना तप प्रारंभ कर देते हैं। जब 88,000 वर्ष तप करते हुए ब्रह्मा जी को बीत जाते हैं, केवल 12,000 वर्ष बाकी रहे तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है। इंद्र का सिंहासन हिला और इंद्र को चिंता हो जाती है। क्यों? जब सिंहासन हिला तो इंद्र ने विचार किया, या तो कोई वर्ती व्रत कर रहा है, या कोई त्यागी बड़ा त्याग कर रहा है, या कोई तपस्वी तप कर रहा है, या कोई दानी बढ़ चढ़ करके दान कर रहा है, जिससे तेरे सिंहासन को खतरा हो गया। अब इंद्र सिंहासन हिलने का संकेत समझ करके देवताओं की सभा लगाते हैं और कहते हैं, देवताओं आप में से किसी को पता हो कि मेरा सिंहासन क्यों हिलता है? मैंने यही पूछने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है और मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कोई। ये प्रश्न सुनते ही देव सभा में सन्नाटा छा गया। सब मौन वृत्ति में आ जाते हैं और सौतनीय मुद्रा हो जाती सबकी, इंद्र का सिंहासन क्यों हिलता है? उस समय उसी सभा में देव ऋषि नारद आ जाते हैं और नारद आए
और नारद ने देखा कि इंद्र की सभा में सन्नाटा, ये तो पहली बार देख रहा हूं, यहां तो नाचना गाना बजाना हास्य विनोद और रंग उमंग ये होते रहते हैं, आज ये उदासी क्यों, ये मौन वर्त क्यों? उस समय देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, तो देवराज इंद्र नारद जी को प्रणाम करते हैं और कहते देवऋषि आप बड़े अच्छे मौके पर आए हो और मैं चाहता भी था कि कोई ऐसा योग्य हो कि मेरा मेरे प्रश्न का उत्तर दे। देवऋषि नारद ने कहा इंद्र क्या है आपका प्रश्न? इंद्र कहते मेरा प्रश्न है कि कुछ रोज से मेरा ये सिंहासन हिल रहा है, इसे हिलाने वाला कौन है और इसका उपाय क्या है? महात्मा दुर्वासा की तपस्या को नारद जी जानते थे। नारद हंस पड़े, युगले इंद्र सभा में सन्नाटा क्यों है? युगले मैंने यही प्रश्न किया इन देवताओं से, युगले इनके वश की बात नहीं है, तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, पर उत्तर तो मैं दे दूंगा पर इसका समाधान करना ये वश की बात नहीं है। उत्तर तो दीजिए आप, उत्तर तो दे दूंगा, तेरे सिंहासन का हिलना ये केवल संकेत है, यही भी निगाह है, अब तो जो समझ दे तेरा पासपोर्ट भी बन के तैयार होना है और केवल मोहर मोहर लागणी बाकी रह गई। और जो ही मंत्रालय में मोहर लगी और भाई तेरा चिट्ठा तन है पकड़ा दिया जाएगा और तू अपनी तैयारी कर ले।
टिप्पण जी की एक टेक है मनोहर लाल जी की, वो बड़ी कठिन बातें उनकी, पर आप ये बड़ेटी गांव है, बड़ा पारखी श्रोताओं का है। पारखी श्रोता वो होते हैं जो कसौटी लगा लगा करके देखते हैं, और फौजी फौजी का आओ तो एक फौज की फर्स्ट इंप्रेशन इज द, तो मैं पहली बार आया ना बड़े जी में, उसी दिन भगवती की और इस भूमि की वो भूदेवी है, अच्छा 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 आदान गमन में किम कम से ना, हम तो गाँव में कसर को छोड़ रहा कि ना भाई कार नहीं कौन सा ना कहे बारिश कमल में हो जो पाटा करना हो डी का कटने के मन में हो रहा है, और उन दोनों को मन मिलना चाहिए ना, तीनों को मन एक हो जब दूध निकला नहीं दोया को मन तभी ना निकला है, तीनों को मन एक सो हो तीनों को मन एक ना हो जब बात ना बने जिसे चिमनिया को उसे चिमानियों को भी तो और फिर सोतो भी उठो चाहिए ना भाई, चिमनिया को मन चिमावनिया को मन और फिर सोतो भी चिमन तो को हो ना कार्तिक मंगसर ओमा फागण चैत और पैसा जेठ मैनू है भाग चैत और बैसाख
जब फटती है बात जमीन छूटता है। नहीं हमने तो यथार्थ लगाई है धूल चाल में। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है ना जिसको धूल नहीं कहते और जमीनें छू चाल है प्रभात पृथ्वी को नमस्कार करते हैं सब। अब एक उड़ान कूड़ दो नाट मार दो बको भाई कविता में तो भाव आते हैं और भाव मतलब तुकांत का तुकांत केवल तुकांत ही नहीं देखा जाता है सार्थक शब्द तुकांत में सार्थकता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सार्थक ना हो सार्थक जो तो दरी सुवारी चांदी पे ढगड़ो बोड़ी हांडी पे ये मतलब हो हांडी चांदी मिली गई उनको संबंध तो बोला कोई संबंध
और सार्थकता हुई होगी। आपका तो महात्मा दुर्वासा के कठिन तप की जो तप स्थिति थी उस विषय में नारद को सब पता था और नारद इंद्र से कहते हैं, इंद्र अब तू तेरी तैयारी कर ले। कैसे? Oh,
हलवाई जी जगदीश जी उनकी तरफ से 101 रुपए प्रदान होते हैं। गणेश भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और 51 रुपए हमारे जगदीश जी हलवाई जी के छोटे भाई रामेश्वर जी उनकी तरफ से 51 रुपए शर्मा जी की तरफ से धन्यवाद। ये 51 रुपए राजू शर्मा नरेश शर्मा उनकी तरफ से प्रदान होते हैं। धन्यवाद। करते हैं। गणेश भगवान मनोकामना पूर्ण करें। आज 1000 वर्ष हो गए
पीते हैं केवल बाकी 12,000 12 और पूरे हो जाएंगे। ऋषि ने पकड़ा आधार, अब संकल्प होगा उसका पूरा, फिर नाव होने वाली तार। किसी दिए उतर तेरे को पड़ा ढूंढना और घर बार,
नारद गए सना के चर्चा यो मोटी सब